Hello, my beautiful people. Welcome to my channel, and I hope you all are doing great. I'm Kanchana, certified fitness trainer and nutritionist, as well as I'm doing masters in dietetics and fitness nutrition management. So, guys, अगर मैं आप लोग से पूछूं वेट लॉस के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी, तो आप लोग का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बता दो. और ऑल दो आई नो योर आंसर बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला था लाइक विच इज बेटर फॉर वेट लॉस, ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी. तो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव गिवन देयर आंसर एंड इवन 99% लोगों ने जो आंसर दिया है वो है ब्लैक कॉफी. एंड वेन आई विल आस्क यू, और डेफिनेटली आप लोग यही बोलोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में यही बताओगे कि ब्लैक कॉफी इज लाइक बेटर फॉर वेट लॉस. पर जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी क्यों ब्लैक कॉफी बेटर लगता है आपको वेट लॉस के लिए, तो रीजन यही आप बताएंगे क्योंकि अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब में, लूज दिस मच वेट इन दिस मच ड्यूरेशन बाय ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी एंड लेमन. आपको आज बताऊंगी दोनों के बेनिफिट और ये भी समझाऊंगी वेट लॉस करना चाहते हैं तो दोनों में से बेटर कौन सा होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने कहीं देख लिया सुन लिया और आप उस चीज को बिलीव कर रहे हो. ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी, इसमें कोई भी शक नहीं कि ये दोनों आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं और फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं. तो और ये टी और कॉफी का काफी अच्छा अल्टरनेटिव है, हेल्दी अल्टरनेटिव है कि आप दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी की जगह ये चीज यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे बात आती है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दोनों में से बेटर कौन सी चीजें हैं. चलो सबसे पहले हम लोग ग्रीन टी का बेनिफिट देखते हैं. ग्रीन टी के बारे में देखेंगे तो ग्रीन टी कंटेन करता है कैफीन, इट हैज अ टाइप ऑफ फ्लेविनोइड जो जिसे कहते हैं कैटेकिन. कैटेकिन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है. स्टडीज के अकॉर्डिंग देखा गया है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ये सारे कंपाउंड जो है बूस्ट करने में हेल्प करते हैं और कैटेकिन तो इवन हमारे बॉडी के एक्सेस फैट को भी ब्रेक डाउन करता है. हालांकि ये बहुत ही हेल्दी है बट स्टिल आपको एक दिन में 2 से 3 कप ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन है. हो सकता है अगर ज्यादा अमाउंट लेते हो तो रात को आपको सोने में दिक्कत हो या फिर हार्ट इश्यूज जिनको है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ज्यादा इंटेक करने पे. ओके, टी कंटेन विटामिन बी, फॉलेट, मैग्नीशियम एंड फ्लेविनॉइड्स विच आर एसोसिएट विद सेवरल हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, इंक्लूडिंग हार्ट फंक्शनिंग एंड मैनेजिंग type 2 diabetes. कॉफी के बारे में जानेंगे तो ब्लैक कॉफी में भी कैफीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे में अलर्टनेस और हमें एक्टिव की फीलिंग आती है, हम एक्टिव रहते हैं और इसके साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है. स्टडीज से ये देखा गया कि 3 से 11% हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है ब्लैक कॉफी के लेने से. ब्लैक कॉफी हमें सेटिएटी की फीलिंग देता है, फुलनेस की फीलिंग देता है और हमें अनहेल्दी चीजें खाने का मन नहीं करता अगर हम ब्लैक कॉफी पी लेते हैं तो. अब हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे ब्लैक कॉफी का. ब्लैक कॉफी इज लोडेड विद न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, इट कंटेन विटामिन B2, B3, B5, मैंगनीज, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. रेगुलर इंटेक ऑफ ब्लैक कॉफी कैन हेल्प टू बूस्ट मेमोरी एंड हेल्प परफॉर्मेंस ड्यूरिंग वर्कआउट. पर 2 कप से ज्यादा ब्लैक कॉफी एक दिन में नहीं लेना चाहिए. तो चलो कंक्लूजन देख लेते हैं कि कौन ज्यादा बेटर है वेट लॉस के लिए. हालांकि दोनों चीज हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रही है, दोनों ही चीज फैट बर्न के प्रोसेस को हेल्प कर रही है, फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रही है, तो स्टिल इन दोनों में से कोई एक ही चीज है जो ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और वो है ग्रीन टी. बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम में आंसर में जो बताया था वो ब्लैक कॉफी बोला था और रीजन आई नो कि जो ट्रेंड में चल रही है यूट्यूब में वीडियो ग्रीन ब्लैक कॉफी लेमन वाली, तो उससे सबको लगता है कि ब्लैक कॉफी इज मोर बेटर फॉर आवर हेल्थ. पर आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लैक कॉफी सिर्फ 2 कप पी सकते हैं एक दिन में, उससे ज्यादा आपके लिए हेल्थ के लिए वो डेंजरस हो सकता है, जबकि आप ग्रीन टी 2 से 3 कप एक दिन में पी सकते हैं. और हाँ, कोई भी हेल्दी चीज भी ओवरडोज नहीं लेनी होती है, नहीं तो वो आपके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है. तो इसलिए जो लिमिट बताइए उसी लिमिट में आपको ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए. अब ग्रीन टी बेटर आपके वेट लॉस में हेल्प करता है ये आपको पता चल ही गया है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, तो ये आपके वेट लॉस में ज्यादा हेल्प करता है ब्लैक कॉफी के कंपेयर में. सो यस गाइज, आई होप आप लोगों का ये बिग मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दीज 2 beverages क्लियर हो गया होगा. और कोई भी डाउट और कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम में मैं अपने डेली के लाइक डाइट एंड एवरीथिंग ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करती हूँ क्लाइंट्स के. फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हैंडल kanchana-1. सो यार, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू माय नेक्स्ट वीडियो. देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.